नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनस्टार टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे पांच बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे टोक्यो पैरालंपिक की, जहां चाह वहां रहा की कहावत को भारतीय खिलाड़ियों ने सही साबित कर दिखाया, जहां टोक्यो पैरालंपिक में शूटर्स ने कमाल किया है। लगातार गोल्ड मेडल और पदक भारत की झोली में मिल रहे हैं और इस बीच मनीष नरवाल ने शूटिंग में गोल्ड जीता है, तो वहीं सिंगराज ने सिल्वर पर कब्जा कर दिखाया है। वैसे इससे पहले अवनी लखीरा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया, देखा जाए तो भारत के खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में कमाल कर रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कमाल कर दिखाया है। भारत के खिलाड़ियों ने अपने हौसलों से वो कमाल किया जिससे पूरा देश सलाम कर रहा है। पैराशूटर्स में मनीष नरवाल ने भी अब गोल्ड पर कब्जा कर लिया है, वहीं सिंगराज ने सिल्वर पर कब्जा किया। अब तक भारत के पाले में कुल 15 पदक आ चुके हैं। बता दें, दोनों पैराशूटर्स फरीदाबाद के रहने वाले हैं। साथ ही टोक्यो पैरालंपिक में 19 साल के मनीष नरवाल ने तीसरा मेडल दिलाया है। इससे पहले अवनी लखीरा, सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक दिलाया था। भारत के खाते में अब तक 3 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक है। देखा जाए तो पैरालंपिक इतिहास में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में कौन बाजी मारेगा, अब इसके कयास तेज हो गए हैं, क्योंकि 6 जिलों में मतदान के बाद अब मतगणना शुरू हो गई है और उसके साथ ही कयास तेज हो गए हैं कि आखिर गांव की सरकार किसकी बनेगी। तमाम प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ गई है और आज ही तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा भी खुलने वाला है। और आज मतगणना का दौर शुरू हो चुका है, परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि गांव की सरकार में कमल खिलेगा या फिर कांग्रेस का हाथ लहराता नजर आएगा। वक्त आ गया है जब तय होगा कि आखिर गांव की सरकार में कौन बाजी मारेगा। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गजों के बीच मुकाबला है। कई मंत्रियों नेताओं की साख दांव पर है। जहां 6 जिलों में हुए मतदान की मतगणना शुरू हो गई है और दोनों ही खेमों में हलचल बढ़ गई है। बता दें, आज 335 टेबलों पर 1370 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। जयपुर में दो पारी में पंचायत राज चुनाव की काउंटिंग होगी। पहली पारी सबसे पहले पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना होगी और वहीं दूसरी पारी में जिला परिषद सदस्यों की वोटिंग की गिनती की जाएगी। जिला परिषद के 51 वार्डो में 128 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। वहीं 22 पंचायत समिति के 442 वार्डो में 1242 प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा भी खुलेगा। वही जानकारी मिल रही है कि दौसा में सिकराया पंचायत समिति के वार्ड 8 से कांग्रेस जीती है, जहां सिकराया के वार्ड 3 से निर्दलीय गुड्डी देवी ने जीत दर्ज की। अब बात करेंगे सीधे बंगाल की। बंगाल में इस वक्त बवाल नहीं थम रहा है, क्योंकि बंगाल की राजधानी कोलकाता में दुर्गा पूजा के पंडाल में सीएम ममता बनर्जी की मूर्ति लगने वाली है, जिसको लेकर अब बंगाल की सियासत में बवाल जारी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन सवाल बन गया है कि आखिर दुर्गा माँ के पंडाल में ममता बनर्जी की मूर्ति क्यों और आखिर क्यों लगाई जा रही है, सवाल बड़ा है। और इसी सवाल पर बीजेपी ने निशाना साधा है और ममता बनर्जी को जमकर निशाने पर लिया है और ये कहा है कि जिसके हाथ निर्दोष बंगालियों के खून से रंगे हो, आखिर उसकी मूर्ति कैसे लग सकती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा से पहले बवाल और विवाद हो गया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बगौहाटी क्षेत्र के नजरुल पार्क उन्नयन समिति ने देवी दुर्गा के साथ ममता बनर्जी की मूर्ति लगाने का फैसला किया है, जिसके बाद विवाद छिड़ गया। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भारतीय इतिहास में जिस भी राजनेता ने अपना आदर्श बनाया है, उसे विनाश का सामना करना पड़ा है। आज तक का इतिहास है कि मायावती हो या फिर दक्षिण के बड़े राजनेता, जिस भी राजनेता की मूर्ति लगाई गई वो विनाश की ओर चला गया। वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी की मूर्ति मशहूर क्ले मॉडलर पिंटू पॉल अपने कुमारतवली स्टूडियो में फाइबर ग्लास की मूर्ति बना रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मूर्ति के 10 हाथ में ममता बनर्जी की परियोजनाओं का चित्रण किया जाएगा। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान इस वक्त प्यासा है। राजस्थान इस वक्त बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। कमजोर मानसून के चलते ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में प्यास पर सवाल बन गया है, क्योंकि प्यास कैसे बुझेगी, अब ये सवाल है। एक रिपोर्ट की माने तो देश भर के महज 130 बांधों में क्षमता के अनुसार पानी बचा है, लेकिन बाकी शेष बांध अब तक सूखे पड़े हैं, जहां क्षमता के अनुसार पानी नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल प्यास का है।
कि आखिर राजस्थान और देश में लोगों की प्यास कैसे बुझेगी। प्यास क्या होती है ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। जब प्यास बुझाने के लिए पानी ना हो तो क्या होगा, ये गंभीर सवाल है। कमजोर मानसून ने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश में जल संकट के हालात बना दिए हैं। देश भर के 130 बांधों में क्षमता के अनुसार पानी है, जबकि शेष 124 बांधों में 100% पानी नहीं पहुंच पाया है। वहीं देश के 25 बांध ऐसे हैं जहां 50% पानी भी नहीं आया। एक रिपोर्ट की माने तो स्थिति तौर पर समझा जाए तो देश भर के बांधों में जितना पानी होना चाहिए महज 63% पानी पहुंचा है। लेकिन इस हालात से कैसे निपटा जाए, अब ये सवाल है, क्योंकि ये हालात आने वाले समय के लिए भयानक रूप ले सकते हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है। रुझान सामने आने लगे और जयपुर से पहला रुझान भी सामने आ गया है, जहां पावटा पंचायत समिति से कांग्रेस प्रत्याशी मीना देवी ने जीत दर्ज कर ली है। देखा जाए तो कांग्रेस खेमे के लिए इस वक्त खुशी की खबर सामने आ गई है। लगातार मतगणना जारी है और जयपुर से ये पहला रुझान सामने आ गया है। गांव की सरकार किसकियों के इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन जयपुर में पहली मतगणना का पहला रिजल्ट पावटा पंचायत समिति से आ गया है। यहां सबसे पहला रिजल्ट पंचायत समिति पावटा के वार्ड 12 का घोषित किया गया, जहां कांग्रेस की मीना देवी विजयी घोषित की गई। इस परिणामों की घोषणा के साथ ही मीना देवी के समर्थकों ने खुशी जताई। बात करें तो जयपुर जिला परिषद के 51 वार्डों में 128 उम्मीदवारों के वोटों की काउंटिंग दोपहर करीब 1 बजे से शुरू होगी। इससे पहले 22 पंचायत समितियों में 442 वार्डों के लिए काउंटिंग का दौर लगातार जारी है। देखा जाए तो राजस्थान में पंचायत चुनाव का मतगणना शुरू हो चुकी है। तमाम प्रत्याशियों के दिल की धड़कन तेज है कि आखिर परिणाम क्या होंगे, आखिर गांव की सरकार में बाजी कौन मारेगा। लेकिन सवाल लगातार बना हुआ है। आप लगातार देखते रहें सन स्टार टीवी।